हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फ्लाई रिव्यू सेंटर। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि अभी फेस्टिव सेल्स चल रहे हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के, और ऑलरेडी मेरे कुछ वीडियो आप देख ही चुके होंगे। बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे इसके पहले के वीडियोज़ भी देखिएगा। डेफिनेटली आपको कुछ यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी जो अभी सेल में बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल है। आज का वीडियो भी एक ऐसे ही प्रोडक्ट को लेकर है जो यूज़फुल भी है आपके घरों में, या फिर अगर आप यूट्यूबर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो यूज़फुल रहेगा। और ये मुझे बहुत ही बजट प्रोडक्ट मिल गया है तो इसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। बट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले सब्सक्राइब का बटन जो है वो प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के रिव्यू की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो आज जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है वो मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से, और वो प्रोडक्ट है डिजिटेक का DV ट्राइपॉड, और इसका मॉडल नंबर है DTR260GT। ये एक पोर्टेबल ट्राइपॉड है। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एकदम कॉम्पैक्ट सा है, तो ये प्रॉपरली मुझे पैक मिला है। और अब देखिए, अब इसमें मुझे मिला है ये एक ट्राईपॉड, इसके साथ में मुझे मिला है ये मोबाइल होल्डर और ये रिमोट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो ट्राईपॉड है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप इसको किसी भी तरीके से इसको रख सकते हैं। इसका अगर आपको हाइट कम करना है तो आप इसको जस्ट फोल्ड कर लीजिए और इस तरीके से इसका हाइट जो है वो कम हो जाएगा और आप शूटिंग जो है वो कर सकते हैं। सो बेसिकली ये काफ़ी हैंडी है, इस काफ़ी फ्लेक्सिबल है। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है और काफ़ी लाइट वेट है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है। तो अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और आप व्लॉग्स बनाते हैं तो बेसिकली आप इसको जो है इस तरीके से हैंड में भी जो है वो कैरी कर सकते हैं और आपके व्लॉग्स जो हैं वो शूट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली मल्टीपर्पज़ है, आप अगर कोई भी शूट कर रहे हैं जहाँ पर आपको स्टेडी इमेज चाहिए तो आप इसको एज अ ट्राईपॉड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ में हमको मिला है ये मोबाइल होल्डर, जिसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल लगाना चाहें तो वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से लगा लीजिए, ये इस तरीके से जो है इसके अंदर फिक्स हो जाएगा और फिर आप इसके अंदर मोबाइल जो है वो फिक्स कर सकते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल लगाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लग जाएगा। ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लग गया है। बस अगर आप हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं तो आपको जो है इसको थोड़ा इस तरीके से मूव करके रखना पड़ेगा, तो ये आप हॉरिजॉन्टल जो है वो शूटिंग कर सकते हैं। तो आपको इसको यहाँ से जो है ये मूव करना पड़ेगा और इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए, तो ये आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। अब इसके साथ में जो थर्ड चीज़ हमको मिली है वो है ये एक ब्लूटूथ रिमोट, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप ये नहीं बट अगर आप कोई भी सेल्फी स्टिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है, आपको बस इसको ऑन करना है, आपके मोबाइल के साथ में इसको पेयर करना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा है ये, तो ये एक चीज़ आपको मिल रही है। तो चलिए अभी इसके ऊपर एक मोबाइल जो है वो मैं सेट करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से ले लेती हूँ, तो मैंने ऑन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने ये इसको इस तरीके से सेट कर लिया है, अपने मोबाइल के साथ में रिमोट को पेयर कर लिया है। और मैं अभी अगर इसको वीडियो के ऊपर सेट करती हूँ मेरे मोबाइल को, और यहाँ पर अगर मैं प्ले करती हूँ तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बटन्स दिए हुए हैं, एक कैमरा के लिए और ISO के लिए है और एक मोबाइल के साथ में पेयरिंग के लिए है। तो ये दो जो है यहाँ पर बटन है, आप इसके ऊपर कैमरा भी फिट कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वेट का वो 1 kg है, तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा DSLR यूज़ कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये वीडियो मोड पे रखा है और अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर जो है वो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड होना भी स्टार्ट हो गया है। मेरा एक कैमरा जो है वो फ्रंट साइड से रिकॉर्डिंग हो रहा है और एक मैंने जो ट्राइपॉड पे रखा है उससे भी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है।
तो बहुत ही हैंडी है। अगर आप सेल्फी मोड पे कुछ भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको ओवरऑल इसके बारे में बताऊं, तो अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो ये आपके लिए एक बजट प्रोडक्ट है। किस तरीके से, तो मैं आपको इसके प्राइसिंग और डिटेल्स के बारे में अभी आगे बता देती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैंने इसको कहाँ से परचेस किया है और कितने में परचेस किया है। तो अभी मैंने इसको परचेस किया है सेल में 299 रुपीज़ में, अमेज़ॉन से मैंने परचेस किया है। तो अगर आप देखें तो 299 के हिसाब से मुझे जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिला है। सो आगे जो है मैं कुछ व्लॉग्स या फिर कुछ ऐसा व्लॉग रिलेटेड सीरीज़ के साथ में भी आने वाली हूँ। तो मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी हैंडी है, बिकॉज वेट जो है वो इसका काफ़ी कम है। तो ये आप हैंडी यूज़ कर सकते हैं, व्लॉग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टडी कैमरा रख के अगर आपको कोई भी वीडियो शूटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं और लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करने हैं तो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि 299 रुपीज़ में मुझे एक अच्छी क्वालिटी का ट्राईपॉड मिल रहा है, जिसके ऊपर मैं कैमरा यूज़ कर सकती हूँ, जिसके ऊपर मैं मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ, वो भी डिजिटेक जैसी कंपनी का, तो ऑन एंड ऑल ये काफ़ी बजट प्रोडक्ट है। तो मेरे सारे वो फ्रेंड्स जो नए यूट्यूबर्स हैं और अपने लिए एक ट्राईपॉड देख रहे हैं क्योंकि बजट में हो, बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना इन सारी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो डेफिनेटली मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि ये प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली आप खरीद लीजिएगा। इस प्रोडक्ट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको इमीडिएटली परचेज कीजिए, बिकॉज सेल जो है वो 10 तारीख तक ही अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने ये प्रोडक्ट परचेस किया है तो प्लीज़ आपके व्यू मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी मैं कुछ और ऐसे बजट प्रोडक्ट्स के साथ में आने वाली हूँ। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।